नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को जय। दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं तो आप सभी लोग को जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले दोस्तों, दो आप लोग का बड़ी अपडेट आप लोग का निकल कर रहा है, पलामू होमगार्ड और गढ़वा होमगार्ड का। दोस्तों क्या अपडेट है उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों पलामू और गढ़वा होमगार्ड का दोस्तों क्या अपडेट है। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पलामू होमगार्ड और गढ़वा होमगार्ड का दोस्तों मेगा सूची जो जारी हुआ था, साथ ही साथ आप लोगों को जारी हुआ था दोस्तों। दोस्तों एक चीज आप लोगों को मालूम है कि गढ़वा होमगार्ड और पलामू होमगार्ड का दोस्तों क्या आप लोगों का मेगा सूची तो जारी हो चुका था, लेकिन पलामू होमगार्ड का दोस्तों मेडिकल का डेट भी आप लोग का जो मेगा सूची था उसमें आप लोग का अटैच था, मतलब मिला हुआ था कि आपको बता दिया गया था कि इस डेट पे आप लोग का मेडिकल होने वाला। लेकिन दोस्तों गढ़वा होमगार्ड का दोस्तों कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया था मेडिकल कब होगा, और अभी तक इसका अभी तक कुछ भी जानकारी पूरी नहीं मिल रहा दोस्तों कि कब तक इसका मेडिकल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी मिलने वाला कि गढ़वा होमगार्ड का कब तक इसका मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग का जब से दोस्तों पलामू होमगार्ड का दोस्तों मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 9 फरवरी से लेकर आपको 15 फरवरी तक मेडिकल का प्रोसेस हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद दोस्तों आप लोग का बहुत ही ज्यादा कमेंट रहा पलामू होमगार्ड का कि भैया आखिर इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब तक हो जाएगा। ये आप लोग का बहुत ही ज्यादा कॉमेंट आ रहा दोस्तों, हर एक वीडियो पे कॉमेंट आप लोग का रहता है कि भैया आखिर इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों। क्या गुड न्यूज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कि आप लोग का एक बच्चा मेरे को कल कॉल करके बोल रहा था कि भैया जब भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ था कि जमा ले लिया गया था। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों 4 मार्च से लेकर दोस्तों अभी तक आप लोग का एक डेट दिया गया, उस डेट में आप लोग बता दिया कि आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जो जमा किए थे वो आप वापस ले लीजिए। और दोस्तों देखिए बच्चा एक बच्चा जो मेरे को कॉल किया था वो वापस लेने के लिए जब गया डॉक्यूमेंट्स तो उसको क्या किया गया कि जो जेरेक्स उसका जो डॉक्यूमेंट्स जितना भी दिया गया था उसका जेरेक्स कॉपी रखा गया। और क्या उसमें क्या होगा इसके बाद आप लोग का कि कब तक आगे ज्वाइनिंग हुआ वो लोग को भी अभी कुछ भी बताया नहीं गया। तो दोस्तों देखिए अभी फिलहाल एक अपडेट आ रहा है पलामू होमगार्ड का कब तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो सकता है। देखिए दोस्तों अभी आप लोग को मालूम है कि इलेक्शन है सामने, तो इलेक्शन कब से दोस्तों ये फरवरी मार्च है, अप्रैल से आप लोग का इलेक्शन है। तो दोस्तों देखिए एक चीज बता रहे, अगर आप लोग का ज्वाइनिंग अगर हो जाता ये मार्च महीना में तो 100% है कि आप लोग का कम से कम आपको 2 महीना और रुकना पड़ेगा दोस्तों। अभी फिलहाल बता दे रहे, देखिए आप लोग का ये फरवरी ये मार्च चल रहा, मार्च का लास्ट तक अगर कुछ अपडेट आ जाता तो सही है, क्योंकि दोस्तों अभी इलेक्शन के टाइम में दोस्तों होमगार्ड जवानों का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। और देखिए 2-4 दिन के अंदर में अगर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक अगर आपका ज्वाइनिंग करवा देता तो सही है, क्योंकि दोस्तों एक केस का मैटर भी आप लोग का पलामू होमगार्ड का फंसा हुआ। लेकिन एक चीज आपको बता रहे कि देखिए वो केस का मैटर किस कारण से फंसा हुआ बहुत लोग उसमें भी बता रहे कि धांधली वगैरह हुआ है पलामू होमगार्ड का। लेकिन दोस्तों ये आप लोग का कब केस हुआ वो भी आपको हम बता दे रहे हैं, जब सारा मेडिकल का प्रोसेस हो चुका 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मेडिकल हुआ, उस बीच में दोस्तों कोई ना कोई उसमें आवाज नहीं उठाया। जैसे ही उसका मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका उसके बाद दोस्तों लोगों ने क्या किया आवाज उठाना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये आवाज दोस्तों पहले ही जब मेगा सूची जारी हुआ था उसी टाइम अगर आवाज अगर उठाता तब कुछ हो पाता, लेकिन आपको हम बता देते कि अभी फिलहाल जो जितना भी लोग आवाज उठाया दोस्तों बस डीसी को जो है पलामू का डीसी का है वहां पर आपको डीसी को जो विज्ञापन है दोस्तों वो सौंपा गया है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है तो इसका जांच किया जाए। लेकिन अभी देखिए आगे का प्रोसेस सारा बढ़ चुका है, इसका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका, इसलिए देखिए आप लोग का पलामू होमगार्ड का जितना भी मेगा सूची में सब लोग का नाम आया, मेडिकल का प्रोसेस हो चुका, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका, वो लोग का ही ज्वाइनिंग होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और इसका प्रोसेस अभी जो इतना लोग केस किया है पलामू होमगार्ड का दोस्तों वो लोग का भी कुछ भी ऐसा प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आगे का कुछ रुक रहा, प्रोसेस हमेशा देखिए पलामू होमगार्ड का लगातार प्रोसेस चल ही रहा। और अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका, और इसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दोस्तों आप लोग का जो केस जो थाना से वेरिफिकेशन होता वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी एक नहीं हुआ, जो थाना से एक होता कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना से जो बनाया जाता वो अभी जमा नहीं हुआ। उसके बाद देखिए वो जैसे जमा हो जाता एक आपको डेट दिया जाएगा, जैसे आप जमा कीजिएगा उसके बाद दोस्तों आप लोग का क्या होगा कि आप लोग का मेडिकल का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका, इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आप लोग ज्वाइनिंग डाइट हो जाएगा। तो इसमें कुछ आप लोग का टेंशन मत लीजिए कि आप लोग का केस का मैटर हो गया तो रुक जाएगा भर्ती, तो देखिए ये भर्ती अगर केस का मैटर पहले अगर मेगा सूची होता उसके बाद बच्चा अगर कुछ आंदोलन वगैरह करता है तो कुछ हो पाता। तो फिलहाल आपको हम बता दे रहे कि पलामू होमगार्ड का जितना भी लिस्ट में नाम आया आप लोग का ही ज्वाइनिंग होने वाला, बहुत ही जल्दी आप लोग ज्वाइनिंग का प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। देखिए ये महीना का लास्ट अगर आप लोग का ज्वाइनिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आता
तो समझ लीजिए कि अगले महीने तो आप लोग का इलेक्शन है, तो इलेक्शन के वजह से दोस्तों आप लोग का मार्च नहीं होगा तो अप्रैल भी नहीं होगा समझ लीजिए। तो उसके बाद दो महीने के बाद दोस्तों आप लोग का जो प्रोसेस रुका हुआ आप लोग का ज्वाइनिंग का वो आप लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग का। तो आप लोग का बहुत ज्यादा कॉमेंट आया कि भैया केस का मैटर हुआ उसके वजह से रुका हुआ है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये केस के मैटर की वजह से नहीं रुका हुआ। अभी फिलहाल देखिए जो डीसी एसपी जितना भी हर एक जिला में दोस्तों आप लोग क्या हुआ, जितना भी आप लोग का जगह में बहाली हुआ वहाँ का कमांडेंट एसपी डीएसपी जितना भी है दोस्तों सभी दोस्तों इलेक्शन का ड्यूटी में लगा दिया गया अभी। और इलेक्शन का ड्यूटी आप बोलोगे कि अब कैसे इलेक्शन ड्यूटी, देखिए दोस्तों कोई भी आप लोग का जगह जैसे कि बोकारो जिला आप लोग का, तो देखिए यहाँ का जो डीसी एसपी है दोस्तों पहले से ही उन लोग का काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा नेता कि दोस्तों नेता आने वाला है तो उसको विज्ञापन सौंपा जाता है डीसी एसपी को, तो जितना भी एसपी कमांडेंट जितना भी है दोस्तों जितना भी आप लोग का पुलिस मुख्यालय में जितना भी रहते हैं सभी लोग को लेटर भेजा जाता, उसमें आप लोग को बोला जाता है कि अभी फिलहाल अब जितना भी विज्ञापन आप लोग का जो कार्य आप लोग का हुआ है वो अभी फिलहाल के लिए रुका जाएगा दोस्तों। जैसे इसका प्रोसेस इलेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद ही आप लोग का आगे का जितना भी प्रक्रिया रुका हुआ भर्ती है सारा उसके बाद ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसलिए आप लोग टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग इलेक्शन खत्म होता है यदि ये सप्ताह के अंदर में अगर कुछ ऐसा अपडेट आता ये सप्ताह या अगले सप्ताह तक कुछ अगर अपडेट आता है तो सही है, तब आप लोग का ज्वाइनिंग होने का चांस है, नहीं तो आप लोग समझ लीजिए कि थोड़ा सा भर्ती एक महीना और आप लोग का रोकना पड़ेगा अभी, तभी उसके बाद आप लोग का कुछ अपडेट आएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग का ज्वाइनिंग आप लोग का पलामू होमगार्ड का हो जाएगा, और गढ़वा होमगार्ड का हम लोग एक अपडेट है दोस्तों, वो लोग का मेडिकल कब होगा, देखिए मेडिकल तो दोस्तों मेरा हिसाब से है कि ये सप्ताह तो नहीं होगा, पक्का एकदम डन है, अगले सप्ताह तक अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है मेडिकल का कुछ तो सही है, नहीं तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि अगले मंथ इसका नहीं होगा, एक महीना आप लोग को भी रुकना पड़ जाएगा गढ़वा होमगार्ड का दोस्तों, उसके बाद ही आप लोग का मेडिकल होगा। गढ़वा होमगार्ड के दोस्तों किसी प्रकार से आरोप नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन आप लोग का गढ़वा होमगार्ड का, बस आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल ज्यादा आप लोग का जिस तरह से पलामू होमगार्ड का मेडिकल हुआ नॉर्मल मेडिकल एकदम, बस बीपी वगैरह नापा गया था जरा नॉर्मल, इसी तरह से आप लोग का होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग को अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसे भी दोस्तों अभी जो कैंप है पुलिस का कैंप जो है दोस्तों जहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग चलेगा उस जगह पर भी अभी खाली नहीं है फिलहाल, जिसके वजह से बोलिएगा आप किस कारण से खाली नहीं है, तो देखिए दोस्तों अभी फिलहाल में दोस्तों ज्वाइनिंग करवाया गया जो 2017 का या 18 का कुछ एक मैटर था दोस्तों होमगार्ड का, दोस्तों रांची होमगार्ड का, तो वो भी आप लोग का वो लोग को भी ज्वाइनिंग करवा दिया गया, जिसके वजह से दोस्तों जहाँ पर वहां पर क्या हुआ कि सीट पूरा भर चुका और वो लोग का जैसे कंप्लीट होता है 3 महीना या 4 महीने का अभी ट्रेनिंग चलेगा उन लोग का, उसके बाद आप लोग का फिर से अभी उन लोग का इलेक्शन ड्यूटी में भी लगवाने वाला, और वहां पर जैसे आप लोग खत्म होगा उसके बाद आप लोग का जिसका दोस्तों पलामू होमगार्ड का जितना भी रुका हुआ वो लोग का प्रोसेस आप लोग का ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए आप लोग का कि पलामू होमगार्ड का कोई केस का मैटर के लिए रुका हुआ, तो केस के मैटर के लिए कोई प्रकार से रुका हुआ नहीं, बस आप लोग का अभी इलेक्शन के बीच में अभी आ चुका थोड़ा सा, साथ ही साथ दोस्तों अपने थोड़ा सा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर भी खाली नहीं है अभी फिलहाल, तो यही अपडेट है, आप लोग ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि केस का मैटर हुआ उसके कारण से आप लोग का कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, तो आप लोग ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग क्या करना है झारखंड पुलिस का भी आप लोग तैयारी करना है, जितना भी पलामू होमगार्ड का जितना भी लोग डिस्क्वालीफाई हुआ जिस कारण किसी कारण से किसी का अगर रिजल्ट नहीं बना है तो वो लोग को भी ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, अभी इस बार आप लोग का भर्ती नया भर्ती है और भी आरपीएफ वैकेंसी है बहुत सारे वैकेंसी आप लोग आया हुआ, उस चीजों का भी फोकस करने का कोशिश करो, आप एक चीज के पीछे अगर भागोगे तो फिर किधर भी नहीं होगा। तो क्या करना आप लोग का बहुत सारा अभी वैकेंसी अभी आने वाला है, तो ज्यादा आप लोग डिमोटिवेट नहीं होने वाला है कि अब वैकेंसी आएगा नहीं कब आएगा वैकेंसी, अभी फिलहाल देखिए आप लोगों का इलेक्शन के वजह से आपको बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा, और आरपीएफ का तो वैकेंसी दोस्तों अगले महीने से आप लोग फॉर्म भराना चालू भी हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उस चीजों का भी तैयारी कर सकते हो और अच्छा खासा उसमें भी वैकेंसी आप लोग देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या करना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो भी अपडेट आएगा आप लोग का पलामू होमगार्ड का, और किसी प्रकार से आप लोग होमगार्ड का रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आता है पलामू और गढ़वा का दोस्तों आप लोग का इस चैनल के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग को जय हिंद, मेरे तरफ से आप सभी लोग को जोहार।